जी सर की नाम है जी? मैं परमपाल सिंह बावा, आम आदमी पार्टी ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग, जिला लुधियाने का प्रधान है जी। सर लॉकडाउन विच इंडस्ट्रिया नू दुकाना नू बड़े बिल आए ने, तो जिहड़ा हैगा जिहड़े राशन भी लोगों नू सही तरह पहुँचा नहीं गा सरकार वालों भेजा होया, तो बड़ी लोगों की दुर्दशा हुई है जी, की कहना चाहोगे लॉकडाउन दौरान जिहड़ा सरकार की किसी वादे ने पूरे नहीं उतर सके? सब तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लॉकडाउन कहन दे वास्ते बहुत जल्दी लगाया, पर साढ़े हिसाब के जो लॉकडाउन है ये उन्होंने बहुत लेट लगाया, क्योंकि यदा नाम है कोविड-19। कोविड-19 का मतलब है कि 2019 के कोविड जोड़ा शुरू होया, तो इन्होंने लॉकडाउन जाके लगाया मार्च के आके। फरवरी के अमेरिका के प्रेजिडेंट जिन्हें हथियारा सी इन्होंने वो देखभाल करने वास्ते वेलकम वास्ते करोड़ों अरब रुपये खर्च कर दिता, तो वो इन्ने रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं सी, तो उस दौरान इन्होंने लॉकडाउन बारे सोचे ही नहीं। तो जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ चुका सी, तो जे ये उस वक्त सारिया फ्लाइटा से आने वाले बंद एयरपोर्ट के उत्ते पूरा चैकअप करके पूरा उनका देख के या जिहड़ा इन्होंने सोच उत्थे सिस्टम रखा जी 16 दिन उत्थे रखते इलाज करा के चैकअप करके छड़ते, या फ्लाइटा कैंसल ही कर देंगे, एयरपोर्ट कुछ देर लिए बंद कर देंगे, तो वो ये जो कोविड है ये वायरस हिंदुस्तान के आना ही नहीं सी। पहली गल तो इन्होंने ये बहुत देर कर दी, चलो फिर भी जो भी इन्होंने लगाया फिर भी दुनिया के हिसाब के नाल बहुत चंगे टाइम के लगा दिता, पर लॉकडाउन लगाने के नाल भी इन्होंने वो बारे कोई सिस्टम नहीं सोचा की करना की नहीं करना, ये तो सिर्फ वो हिसाब से कि रात दोपहरे सुत्या नींद सुपना आ गया, उस बार शाम को डिक्लेयर करता लो जी ये लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के इन्होंने सारे बंद घर वाड़ दिता, ताड़िया मारो जी, ताड़े खड़का लो जी, तो कोई लोगों की कोई सहूलत नहीं दिती, लोगों को कोई पैसा नहीं दिता, लोगों को कोई राशन नहीं दिता, जिहड़ा कि इन्हों हर घर देखो जिहड़ा अमीर आदमी है वो फिर भी गुजारा कर लेगा, वो को पैसा है, जिहड़ा गरीब आदमी है वो जिहदे को नौकरी करता है वो को लैके भी थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया, जिहड़ा मिडल क्लास आदमी है वो कित्थे जाएगा? मिडल क्लास वाला ना अपने भरा को मंग सकता, ना गुआढ़ी को मंग सकता, ना किसी को पैसा मंग सकता, उहदा गुजारा करना बहुत ज़्यादा औखा हो गया सी। पर फिर भी ये कहते हैं कि असी राशन बहुत ज़्यादा दिता, पर मेरे हिसाब के नाल उहदी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुई, राशन लोगों को पहुँचया नहीं, तो गरीब लोग बहुत भुखे मरे उहदे विच, ते फिर इन्होंने जी सारी इंडस्ट्री बंद करती, सारिया दुकाना बंद कर दी, ठीक है सारा कुछ बंद करने की जरूरत सी, पर उन्होंने कोई सहूलत देंगे, उन्होंने भी कोई मंथली पैसे देंगे, हर एक ने घर बैठे ने, तो फिर किसी के कोई पैसा नहीं आ कोई सहूलत दिती, विच इन्होंने कहता जी असी 20 लाख करोड़ रुपये का सहायता दे रहे हैं, वह सहायता तो किसी किस्म का सहायता नहीं सी, वो तो उल्टा इन्होंने होर लोन दिते है। सहायता वो होंगी है कि तुम किसी बंदे को पैसा दो तो वापस ना मंगो, पर ये तो लोन दे रहे हो जिहड़े बंदे अगे करजई नहीं उन्होंने तुम होर करजई करी जा रहे हो, सहूलत कितों हुई? फिर एक दिन कहता जी हुण लॉकडाउन थोड़ा स्लो हो गया तो तुसी इंडस्ट्री चलानी शुरू कर दो, पर इंडस्ट्री चलाने तक सारी लेबर वापस जाने वाले पासे होगी, जिस फैक्ट्री के 100-200 बंदा काम करता सी उन्होंने असं इंडस्ट्री गए हैं, किसी को 5 बंदे ने, किसी को 7 बंदे ने, किसी को 10 बंदे ने, जिस फैक्ट्री 200 बंदे की जरूरत है उत्थे 10 बंदे लेबर नाल इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती, उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट नहीं चल सकते, जे फाइनल प्रोडक्ट वो बना भी लाते किसी तरीके बेचणगे कितने दुकाना सारिया बंद है, तो इन्हों इंडस्ट्री सही तरीके फिर इंडस्ट्री के सारे बिल बिजली के बिल भी दो, लेबर तनखावान भी दो, तो हर घर के बिजली के बिल इन्ने ज़्यादा ज़्यादा आए हैं, लोगों की कमाइया है नहीं, बिजली के बिल कितों भरनगे? फिर इन्होंने राशन किसी को नहीं दिता, फिर इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स इन्हों कुछ सहूलत देनी चाहिए सी, फिर इन्हों जेडे बैंकों के लोगों ने लोन ले हुए थे उन्होंने इंस्टॉलमेंटा कुछ इन्हों माफ़ कर दे,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ